70% स्टूडेंट्स के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये उन 70% स्टूडेंट्स के पास नहीं जिन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिए, ठीक है, फेल हुए बात की नहीं कर रहा, जिन्होंने कट ऑफ पार नहीं किया उनके बाद ही बात करूँ जी। जिन जो स्टूडेंट्स कट ऑफ पार कर चुके हैं उनमें से 70% स्टूडेंट्स के पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। शायद आपके पास भी वो फॉर्म नहीं होगा, तभी ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये बता दूँ कि आपके पास अगर एप्लीकेशन फॉर्म आपका खो गया है या मिसिंग हो गया है, तो उसके लिए मैं बेस्ट रीजन बताऊंगा इस वीडियो के जरिए। तो इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर हमारे चैनल कैजेटेक हिंदी पे नए हो तो प्लीज कैजेटेक हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट एसएससी जीडी के जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे और यहाँ पे एकदम सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है। अब मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपको 12/7/2019 को एक नोटिस जारी किया था, ठीक है। यहाँ पे 12 जुलाई की बात करूँ, अभी 12 जुलाई की बात करूँ, यहाँ पे एक नोटिस जारी किया था उन्होंने। उसमें यह बोला गया था अगर जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि मेरे मार्क्स या मेरे आंसर की में कुछ गड़बड़ है, मेरे मार्क्स इतने आने चाहिए, इतने हो गए, इतने क्वेश्चन गलत है, इतने सही होने चाहिए, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, दोबारा अप्लाई कर सकता है और जिसके जरिए आपके रिचेक हो सकता है। लेकिन उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि उसके अंदर पहले यहाँ पे इन्होंने दिया गया था कि यहाँ पे ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि यहाँ पे प्रिंट आउट चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए, लेकिन प्रिंट आउट चाहिए एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे फिर वही स्टूडेंट्स के पास वही दिक्कत यहाँ पे आने लग गई कि बोल रहे हैं सर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है एसएससी को। जैसे इस चीज़ का पता चला क्या, क्योंकि स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा इन्फॉर्म किया तो एसएससी को ये चीज़ पता चला, तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये डिस्कस करके फिर लास्ट में इन्होंने ये जारी किया, दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके अंदर ये बताया था कि आपके जो फिजिकल होंगे अगस्त से सितंबर के बीच में होंगे, इन्होंने ये तो बोल दिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साथ में ये भी बोला था जिनके पास भी अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कह दिया जाने डॉक्यूमेंट्स हटा दिया गया था, ठीक है। उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मंगाए थे उस समय तो वो डॉक्यूमेंट्स हटा दिए गए, लेकिन उन्होंने बोला जो आंसर किया ना आंसर शीट वो आप लेके आ जाना, ठीक है। तो उनके साथ भी ये हुआ था। अगर आपको भी एप्लीकेशन फॉर्म है ना, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, आपको ये लिंक क्रिएट करवाना है एसएससी, तो प्लीज़ मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसा का वैसे आप करिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एसएससी की जो ऑफिशियल साइट होगी उसके ऊपर जाइए और वहाँ पे जाने के बाद में आपको ईमेल आईडी मिलेगी, वहाँ से आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, वहाँ पे जाके ईमेल करना है, उनको बता देना है, ठीक है, उनको बता देना है कि सर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, हम बताइए हम कहाँ से डाउनलोड करें या कैसे क्या करें, डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आप एक दो करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए क्योंकि जिनके पास भी ये नहीं है 70% सभी के पास पहुंच जाएगा, तब उनको पता चल जाएगा यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मेल आई है, तो उनका भी उनको सॉल्यूशन देना होगा क्योंकि यहाँ पर भी ऐसा हुआ था। फिर वो एक काम कर सकते हैं, आपके पास दो रीज़न हो सकते हैं उनको ठीक करने के, ठीक है। वो पहला रीज़न तो ये करेंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को क्या करेंगे वहाँ से हटा देंगे, जो पीईटी के अंदर ले जाना बहुत जरूरी है फिजिकल के अंदर, तो वहाँ से उसको उठा देंगे। दूसरी बात क्या होगी, वो एसएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर लिंक क्रिएट कर देंगे, लिंक क्रिएट करने के बाद में आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यहाँ पर एसएससी मजबूर हो जाए कि आप या तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म वो डॉक्यूमेंट से हटा दे या लिंक क्रिएट कर दे जिसके थ्रू आप दोबारा डाउनलोड कर सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कर दीजिए हिंदी को सब्सक्राइब जो कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आपको मिलते रहे। जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक आपको सारे कंप्लीट अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, एकदम सटीक जानकारी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।